हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रोहिणी फूड सीरीज़। तो आज की जो एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है रोहिणी सेक्टर 9 का। और सेक्टर 9 की बात करी जाए तो भाई खाने के ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक जगह हम लेकर आ गए आपको डिग्री पिट पे, देखते हैं ओनर से बात करते हैं क्या बढ़िया से सजेस्ट करते हैं और आपको भी ट्राई कराते हैं। आ जाओ। सजेस्ट करोगे आप यहाँ पे खाने के लिए? यहाँ की जो थोड़ी यूनिक और स्पेशल आइटम्स हैं वो जैसे आप ये ट्विस्टेड लेग्यूम ये ट्राई कर सकते हो जी। ये वेज फलूटास हैं, ये चीजी स्प्रिंग रोल्स होते हैं, ये थोड़ी यूनिक आइटम है, ये आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। मेकिंग दिखा देते हैं, आज अंदर चलते हैं। बनने जा रहे हैं ट्विस्टेड लेग्यूम, मतलब जिसको ट्विस्टेड पोटैटो भी बोलते हैं। अच्छा, पेरी पेरी मसाला। तो भाई एक बार जिसको पेरी पेरी पसंद है एक बार कमेंट में जरूर बता दो। ये क्या भाई, पेरी पेरी मसाला? डलवाते हैं, कोई नहीं भी डलवाता। अच्छा नहीं, हम तो बिल्कुल डलवाएंगे, हम तो एक्स्ट्रा डलवाएंगे। मेयो? अरे वो ये क्या बनने जा रहा है हमारा? ये वेज फलूटास। अच्छा, वेज फलूटास। तो भाई मैंने कभी ट्राई नहीं करा है वेज फलूटास, अगर आपने करा है हंगरी पिट पे तो एक बार कमेंट में बता दो। ये क्या चला गया? ये रहा पूरा गार्लिक। अच्छा, गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ये आ गए इसमें कुछ वेजीज आ गए, इसमें अनियन है, स्वीट कॉर्न है और कैप्सिकम है। अच्छा, इसमें हल्का नमक जाएगा। अच्छा, सॉल्ट चला गया है, ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर आ गई है। अच्छा, चिली फ्लेक्स आ गया है, ओरिगैनो, मतलब थोड़ा इटालियन टच होने वाला है इसमें। अरे वाह, स्पाइसी। अच्छा, अपना शेजवान सॉस चली गई है। तो ये क्या चला गया इसमें? मोजरेला। अच्छा, मोजरेला चीज़। चीज़ का ही कमाल होता है। अच्छा, चीज़ का ही कमाल है, देखते हैं कितना कमाल करता है ये, क्या मुंह में फ्लेवर के ब्लास्ट करेगा नहीं करेगा। तो भाई जो स्प्रिंग रोल लवर हैं भाई ये वीडियो उनके लिए है। जब मेरे मुंह में से तो भाई अभी से पानी आ रहा है और बाहर है, बारिश का मौसम हो रहा है भाई, पूरे गीले हैं। तो भाई एफर्ट के लिए भाई एक लाइक तो बनता है यार वीडियो पे। तो भाई हमारा पोटैटो ट्विस्टर भी आ गया है और वेज फलूटास भी आ गया है, जो कि हम इसको बोल सकते हैं कि वेज चीज़ स्प्रिंग रोल। तो ट्राई करते हैं भाई, सबसे पहले चीज़ स्प्रिंग रोल। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बाकी अभी चीज़ पुल आ रहा था इसमें। और इन्होंने हमें दो सॉस दिए, एक तो शेजवान और एक थाउजेंड आइलैंड, तो मैं ट्राई करूँगा शेजवान के साथ। भाई चीज़ पुल आ रहा है, इन्होंने मोजरेला चीज़ डाल रखी है और पैन में सोटे कर रखे हैं कुछ स्वीट कॉर्न हो गया, अनियन हो गया, कैप्सिकम हो गया। काफ़ी एक यूनिक टेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट मैं ट्राई करता हूँ इस थाउजेंड आइलैंड सॉस के साथ। भाई पास, एक नंबर। तो इसका जो प्राइस है, क्या प्राइस है भैया इसका? अच्छा, मतलब 145 में आपको दो रोल मिलेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से वर्थ इट है, अगर आप सेक्टर 9 डीसी चौक के आसपास आते हैं तो ट्राई भाई, बिल्कुल थम्स अप है, बिल्कुल ट्राई करें। अब बारी आती है भाई इसकी, और इसका क्या प्राइस है? अच्छा, 80 रुपीज़ की टू स्टिक है, मतलब 40 रुपये की एक पड़ने वाली है आपको। तो ये भी ट्राई करते हैं। तो जिस पे भैया ने मेयो और थाउजेंड, ये अच्छा तंदूरी है, थाउजेंड आइलैंड नहीं है, तंदूरी सॉस लगा रखी है और साथ में पेरी पेरी डाल रखा है। मतलब इसका टेस्ट वैसा ही है जैसे थोड़ा चीज़ी फ्राइज टाइप होता है, बस इसका थोड़ा एक्सपीरियंस अलग है कि मतलब थोड़ा सा ना, मतलब शोशा में थोड़ा खाते हैं जैसे बंदे ऐसे हाथ में लेके, तो वैसे इसका थोड़ा। तो भाई पोटैटो ट्विस्टर में मेरे को काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा यहाँ पे हंगरी पिट पे, और भाई नो डाउट चीज़ी स्प्रिंग रोल इनका है ही बढ़िया। तो भाई आप अगर डीसी चौक पे आते हैं सेक्टर 9 में तो द हंगरी पिट पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, आ जाओ। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है अतरंगी कैफ़े, जितना ही अतरंगी इनका नाम है, बंदे बोलते हैं भाई मोमोज भी उतने ही अतरंगी है, इनके कुरकुरे अचारी काफ़ी मोमोज हैं जो ऑप्शन में है।
आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम जो है पनीर के स्टीम वाले ट्राई करने आए हैं। और इस टाइम हम बैठेंगे कैफे के जस्ट बाहर ही, और हम अभी पीसी चौक पे और दे सकते हैं भाई, यहाँ पे फूड हब है भाई बंदे, और अच्छा हमको भाई गेड़ी मारने आते हैं, खाना वाना खाने आते हैं बढ़िया, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हमने ऑर्डर करें आई रहे हमारे भी, तो भाई मोमो हमारे आ गए हैं, और मोमो का प्राइस है स्टीम का 60 रुपीज़, जिसके बाद मे और वो देते हैं शेजवान, वो तो देते ही हैं सब, और साथ में उन्होंने ऊपर से डाल रखा है पेरी पेरी मसाला, तो ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। तो देखते हैं भाई कैसे इनके 60 रुपीज़ में आपको मिलते हैं 8 पीस। ये देख लो यार एक भाई पनीर, पनीर तो काफ़ी सही डाला, प्याज की क्वान्टिटी कम है और पनीर की ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना मतलब प्योर पनीर ही खा रहा हूँ, मतलब काफ़ी पतली ही लेयर है, नहीं तो काफ़ी जगह मैंने देखा काफ़ी मोटी लेयर होती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसकी काफ़ी पतली लेयर है, इसी वजह से लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो भाई थम्स अप था मोमोज को, आप भी ट्राई कर सकते हैं, पूरी लोकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी चेक कर लेना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, आ जाओ। तो हम आ गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है पंजाबी चाप कॉर्नर, और इनकी मलाई चाप और एक चटपटा चाप काफ़ी ही पॉपुलर है, तो आ जाओ आपको वो दोनों ही ट्राई कराते हैं हम। अब जो है हमारी रेडी हो गई है, बाहर आ गई है, तो अब ये बनने जाएगी। पहले कौन सी बनेगी भैया? मलाई चाप। अच्छा पहले मलाई चाप बनेगी। अरे ओहो भाई साहब, एक बार गर्मा गर्म देखो यार। अच्छा हाफ में जाते हैं 4 पीस? हाँ जी। अच्छा हमने हाफ लिया, उसमें जाते हैं भाई 4 पीस, पहले कट करेंगे, तो साथ में कुछ ग्रिल टमाटोज, कैप्सिकम एंड अनियन भी है। अरे वाह, तो भाई मुझे तो ग्रिल टमाटोज ज़्यादा पसंद है, बल्कि चाप से भी ज़्यादा ग्रिल टमाटोज पसंद है। अगर आपको पसंद है तो एक कमेंट में बताओ। ये क्या चला गया भैया? ये चाट मसाला। अच्छा चाट मसाला ये। अच्छा ये आ गई क्रीम आ गई। अच्छा अच्छा अमूली क्रीम है, पक्की बात? हाँ जी। अच्छा बटर तो मुझको अमूली दिख रहा है। कि हमारी पंजाबी चाप कॉर्नर की यूएसपी है मलाई चाप, तो हर जगह आपने ट्राई करी होगी, लेकिन इनकी जो चटपटा चाप है उसमें आपको खट्टा मीठा टेस्ट आने वाला, काफी चटकारेदार चाप रहने वाली है, ऐसा भैया का कहना है। तो हम ट्राई करके देखते हैं क्या सही में ऐसी चीज है या नहीं। साथ में मैं थोड़ी सी हरी चटनी लगाऊंगा। अरे वाह लाजवाब, और चाप ना मतलब सॉफ्ट है काफ़ी, और बिल्कुल चटकारेदार। इन्होंने ना एक अलग से ही मसाला डाला है, उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अरे वाह, एक बाइट और लूँगा मैं, और वो सिर्फ ऐसे ही लूँगा बिना किसी चटनी के साथ, ताकि मेरे को रियल एक टेस्ट आए। हाँ भाई नींबू डाल के ना मतलब काफ़ी टैंगी टेस्ट हो गया, बड़ा ही मज़ा आ रहा है खाते। और इसका प्राइस भी जो रहने वाला है 130 या 140 के अराउंड ही है, ध्यान नहीं मेरे को, इसमें भी आपको 4 पीस ही मिलेंगे, तो हाफ में आपको 4 पीस मिलने वाले हैं, फुल में 8। तो मुझे तो पंजाबी चाप कॉर्नर पे खा के काफ़ी मज़ा आ गया। मलाई चाप भी आप ले सकते हैं अगर आप लेस स्पाइसी लवर हैं, और अगर आप मेरी तरह स्पाइसी लवर हैं तो भाई दिस इज द चाप फॉर यू। चटपटा चाप आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और भाई चाप लवर अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर करें।